नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम हो, भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक, ICR, BHO, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि इसके अंदर सभी प्रश्नों को लाया गया है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब सब्जेक्टों में से दो दो चार चार पाँच पाँच क्वेश्चनों को लाया गया है। तो आज की क्लास जो है काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। एक से लेके 100 क्वेश्चनों को लेके आए हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें आप लोग देखिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो बगीचा अगर लगाना है तो सबसे उपयुक्त विधि किसको कहा गया है, आयताकार को, वर्गाकार, पंचभुजाकार या त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। वर्गाकार विधि बगीचा लगाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग पौधों की संख्या होती है। अगर आपको मालूम होगा कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि एक हेक्टेयर में संतरा लगाने की पौधों की संख्या कितनी हो सकती है, 692, 156, 277 या 1000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 277, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन। सघन पौध रोपण HDP जिसको कहा जाता है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, वर्गाकार या आयताकार। तो सघन पौधरोपण करना है तो कौन सी विधि इसमें अपनाई जाती है, तो इसके लिए अपनाते हैं त्रिभुजाकार, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, त्रिभुजाकार। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, पपीता, आम, जामुन या नींबू। तो क्वेश्चन नंबर चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पपीता, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पर। पाँच नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, षष्ठभुजाकार, समोच्च विधि जिसको कंटूर विधि के नाम से जाना जाता है, मिंडो विधि या त्रिभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, समोच्च विधि जिसको कंटूर विधि कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छः, सघन वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है, मार्केट गार्डनिंग को, ट्रक गार्डनिंग को, किचन गार्डनिंग को या इनमें से कोई नहीं। तो सघन वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मार्केट गार्डनिंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सात। ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है, इटालियन, ग्रीक, फ्रेंच या लैटिन। तो सात का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आठ। आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है, वेजिटेबल फ्लोटिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग या यहाँ पर प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग, उसके बाद उपयुक्त सभी। तो अनुकूल वातावरण में विपरीत वातावरण से सब्जियां उगाना क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नौ। तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी आसान है, सब लोग जानते हैं तैरते हुए जो सब्जियाँ हैं कहाँ पर उगाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर झील होते हैं वहाँ पर तैरते हुए सब्जियाँ लगाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, टपका घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है, किचन में, फोर्सिंग में, फ्लोटिंग में या प्रोसेसिंग में। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्लोटिंग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। ट्रक सब्जी बागवानी विधि को क्या कहा जाता है, व्यापक और विस्तृत खेती, सघन खेती या ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन,
ठीक है, यानी कि व्यापक और विस्तृत खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, रनर्स के द्वारा, सकर्स के द्वारा, क्रोम के द्वारा या बीज द्वारा। तो स्ट्रॉबेरी का जो प्रवर्धन होता है वो रनर्स के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखते हैं। अगर एक लिंगाश्री किस्म लगाना है तो सीड रेट क्या रखते हैं, 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, सार्केटिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, अंगूर, पपीता, आम, केला। तो किस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान बना हुआ, प्रथम स्थान बना हुआ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष चालू हुआ था, 1966, 1963, 1970 या 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है। यहाँ देखेंगे नहीं पूछा है, पायस के रूप में, कोलाइड के रूप में, इमल्सन के रूप में, या सभी के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, दूध का निर्माण कहाँ होता है, रक्त सिराओं में, अडर सिस्टम सिराओं में, या एलोवियली सिराओं में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन आया है, सब लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एलोवियली सिराओं में, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5, 6.6, 6.2 या 6.9। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 6.6, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है। दूध में अगर फैट ज्ञात करना है तो किसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, लैक्टोमीटर, ब्यूटायरोमीटर, सेलीमीटर या हैंड रिफ्रेक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ब्यूटायरोमीटर के द्वारा दूध में वसा परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता, बताना है, प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, लैक्टोज के कारण, या खनिज लवण के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब सभी एग्जामों में काम देंगे, चाहे आप एफओ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कैंप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, या इफको की तैयारी कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब साबित होने वाले हैं। तो 21 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज के कारण ही दूध को हम संरक्षित नहीं रख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, सूडो रोबंथी पशुओं के अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजन या एवोमेजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ओमेजन, ठीक है, ये अनुपस्थित रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से रोमंथी पशु है, आपको बताना है रोमंथी पशु कौन सा है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। तो रोमंथी यानी कि सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बकरी। बकरी जो है रोमंथी पशु है, बाकी घोड़ा, बिल्ली और कुत्ता ये सब अरोमंथी है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर आपको बताना है, काफ़ी बार एग्जामों में ये पूछा जाता है लेकिन याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट, इसमें देख लेते हैं, 1800-180-1554 या 1800-180-1559, 1800-180-1551 या 1800-180-155। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1800-180-1551, ये लास्ट का आप याद रखेंगे, 1551, 1800-180, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, परंपरागत कृषि विकास योजना
PKVY कब शुरू हुआ था, ठीक है, आपको बताना है। परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हो गई थी, 2010 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में शुरू हुई थी, याद रखेंगे 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्रफल या कौन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती हैं, भारत, ब्राज़ील, चीन या अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप जो उगाई जाती हैं वो अमेरिका में उगाई जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बॉल गार्ड वन क्या है, संकर धान की किस्म है, सुनहरा धान की किस्म है, संकर कपास की किस्म है या बीटी कपास की पहली पीढ़ी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बीटी कपास किस्मों का पहली संकर पीढ़ी है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान देंगे। विश्व में ट्रिप्टोफेन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपेक टू जीन या क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। डॉक्टर एल चड्ढा, आर एस परमदा, एम एस स्वामीनाथन या एस के बंसल। तो बताना है विश्व के अंदर ट्रिप्टोफेन या लाइसिन की अधिकता वाली मक्का ओपेक टू जीन जो है, क्वालिटी प्रोटीन कह सकते हैं इसको, तो 2000 में इनको विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। तो किनके द्वारा ये विकसित किया गया था ओपेक टू जीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एस के बंसल, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, मक्का उत्पादन, आम उत्पादन, फल उत्पादन, तिलहन उत्पादन। काफ़ी ईजी और आसान क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कीट नियंत्रण की दो या दो से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है, LTL कहलाता है या EIL कहलाता है, DB कहलाता है, IPM कहलाता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, तो यह IPM कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। IPM की परिभाषा भी यही होती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, रोधी किस्मों का चयन एवं फांस फसलें उगाना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, भौतिक विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि या कृषक विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक विधि, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 पर। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आ चुका है, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम करता है, कपास, धान, गन्ना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी, कपास, धान, गन्ना तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, एपेरिकेनिया मेलोलोनिका किस कीट का पैरासाइट्स है, ठीक है, आपको बताना है पैरासाइट्स किसका है, मक्के के तना छेदक का, धान के तना छेदक का या गन्ने के तना छेदक का या इसमें गन्ने के तना छेदक, गन्ने का पायरिला कीट, इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एपेरिकेनिया मेलोलोनिका, ये हो जाएगा गन्ने के पायरिला कीट का, ठीक है, पैरासाइट्स है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, कौन सा परजीवी कीट अंड परजीवियाभ्याप कहलाता है, यानी कि पैरासाइट्स कहलाता है, कोटेशिया फ्लेवस या कैंपोलेटिस, क्लोविडी, एपिकेरनिया स्पीसीज या ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, बाकी ऑप्शन और भी है, तीन ऑप्शन दिखा देंगे। NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीट के रोग रोकथाम हेतु काम में लेते हैं, आपको बताना है NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीटों की रोकथाम के लिए प्रयोग में लेते हैं,
एक ऑप्शन यहाँ पर है केवल कपास के लेपिडोप्टेरा गण के लटों के लिए, बाकी तीन ऑप्शन और भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, कपास एवं चने की लटों के लिए, सी ऑप्शन है कपास के रस चूसने वाले कीटों के लिए, या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कपास एवं चने की लटों के लिए। ठीक है, पूछा था NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीटों की रोकथाम के लिए करते हैं, तो कपास एवं चने की लटों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36, सब्जियों एवं फलदार वृक्षों में जड़ों में गांठे बनने वाला सूत्रकृमि कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मेलेडोगाइनी स्पीसीज। ठीक है, यही सब्जियों और फलों में, फलों की जो जड़ें होती हैं उनके गांठे बनाने का काम करता है ये सूत्रकृमि। ठीक है, मेलेडोगाइनी स्पीसीज, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी कौन सा है, निकोटीन, कारटाप, पायरेथ्रम, या ए और सी दोनों से हैं। तो पौधों से प्राप्त कीटनाशी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि निकोटीन और पायरेथ्रम, ये दोनों ही सही हैं। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ें आंसर दें। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा भंडारण का कीट है। तो भंडारण का कीट कौन सा हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ट्राइकोडर्मा विरेडी, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39, निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है। तो चने का घुन कौन सा कीट कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, केलेसोब्रोचस चाइनेंसिस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक का मान्य होता है, 1 से 3 दिन, 3 से 10 दिन, या 10 दिन से अधिक, या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 10 दिन का जो होता है ये मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कहलाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 41 पर, 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन करा ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको ग्लोबिंग वार्मिंग के नाम से जाना जाता है के मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, या CO2। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा CO2। क्वेश्चन नंबर 42, समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है, आइसोबार कहलाती है, आइसोहाइट कहलाती है, या आइसोबॉथ कहलाती है, या आइसोटेक कहलाती है। तो यही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आइसोटेक कहलाती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है, एनीमोमीटर, विंड वैन, वायुदिक सूचक, या पायरेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 44, 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों और फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, फुहारा विधि, ड्रिप विधि, क्यारी विधि, या कुंड विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ड्रिप विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज नुकसान होता है, गेहूँ, चना, धान की रोपाई वाला, या धान सीधी बुवाई वाला। तो खरपतवार द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, धान की अगर सीधी बुवाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 46, 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। ठीक है, उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यान से पढ़िए। स्थानीय हवाएं कहलाता है, या दक्षिणी पूर्वी मानसून कहलाता है, या दक्षिणी पूर्वी मानसून कहलाता है, या यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून है, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 47 नंबर, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान किससे करते हैं? शुष्क कृषि विधि द्वारा, खेतों में जिप्सम का उपयोग करके, वृक्षारोपण करके, या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि करके? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके क्षारीयता यानी कि खारापन को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49। 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पॉटर्स और पॉट हर्ब्स उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित हैं? पोमोलॉजी, PhD, फ्लोरिकल्चर या ओलेरिकल्चर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ओलेरिकल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। विटामिन की इकाई क्या कहलाती है? ग्राम, मिलीग्राम, IU इंटरनेशनल यूनिट, या बी और सी दोनों सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है, यानी कि विटामिन की इकाई MG भी कहलाती है और इंटरनेशनल यूनिट भी कहलाती है, IU में भी व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है, नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B5 को, या निकोटिनिक अम्ल को, या विटामिन B3 को, या बी और सी दोनों सही हैं? तो नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों, ठीक है, यानी कि निकोटिनिक अम्ल को भी कहा जाता है और विटामिन B3 को भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि विटामिन B5 को पेंटाथेनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन B5 को पेंटाथेनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम फल और सब्जियों की आवश्यकता होती है? पहले हमको देखना है फल, उसके बाद देखेंगे सब्जी, ठीक है। 120 ग्राम फल, 300 ग्राम सब्जी, या 85 ग्राम फल, 285 ग्राम सब्जी, 300 ग्राम फल, 120 ग्राम सब्जी, या 285 ग्राम फल और 85 ग्राम सब्जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एक व्यक्ति को 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी खाने की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे फल और सब्जी का, ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकता है, इसलिए आपको याद ये है, ये इसमें देखना है कि पहले फल पूछ रहा है कि ये सब्जी पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। जीरो फलेथीमा रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से जीरो फलेथीमा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? इसके अंदर विटामिन B2 की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, पपीता मेथी में, बेलपत्र चौलाई में, पपीता शलजम में, या बेलपत्र मेथी में? एक तरफ सब्जी दिया हुआ है, एक तरफ फल दिया हुआ है। तो आप लोगों को मालूम होगा B2 की मात्रा सबसे ज़्यादा बेलपत्र, फलों की बात करें बेलपत्र के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सब्जी की बात करें उसके बाद मेथी के अंदर विटामिन B2 की मात्रा देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। सहजना जिसको मोरिंगा के नाम से जाना जाता है, गांव में सहजन के नाम से जानते हैं, कौन से विटामिन का उपयुक्त स्रोत है? इसके अंदर कौन सी विटामिन की अधिकता पाई जाती है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2 या विटामिन B6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन H, विटामिन B1? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? किसके अंदर वसा की हाइएस्ट मात्रा पाई जाती है? बादाम, अखरोट, काजू या खुबानी? तो अखरोट के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, सब्जियाँ एवं फलों में FE आयरन, जिसको आयरन कहा जाता है, FE को, सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है?
तो एफ ई की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन से फलों और सब्जियों के अंदर पाई जाती है ये आपको बताना है। चौलाई करौंदा के अंदर, करौंदा और अगेथी के अंदर, अगेथी और करौंदा के अंदर, या अगेथी खजूर के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों की, यहाँ सबसे पहले सब्जी पूछा है तो सब्जी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अगेथी के अंदर आयरन की मात्रा अधिकता पाई जाती है। उसके बाद फलों की बात करेंगे, फलों के अंदर करौंदा, करौंदा के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि एफ ई की मात्रा पाई जाती है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। फाइलोक्विनोन कौन सी विटामिन का वैज्ञानिक नाम होता है? विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन डी, विटामिन B12। तो फाइलोक्विनोन जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन के का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। वायु अवरोधक जिसको विंड ब्रेक कहा जाता है को बागानों में कौन सी दिशा में लगाना उपयुक्त रहता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर पूर्व में लगाते हैं, या उत्तर पश्चिम में लगाते हैं, या पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, या उत्तर से दक्षिण की ओर लगाया जाता है? तो विंड ब्रेक हमेशा लगाया जाता है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? विरलीकरण, प्रीकिंग, हार्डनिंग या ट्रांसप्लांटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रीकिंग कहलाता है, ठीक है। छोटे पौधे जो होते हैं एक ट्रे से दूसरे ट्रे में अगर स्थानांतरित करते हैं तो वो प्रीकिंग कहलाता है, ना कि ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। पौधशाला में सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी लगती है? आर्द्रगलन, उकटा, झुलसा या लीफ कर्ल। तो पौधशाला यानी कि नर्सरी के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी लगती है, देखने को मिलता है, वो आर्द्रगलन, जिसको डंपिंग आप कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। मृदा को निर्जलीकरण करने हेतु फार्मेहाइल्ड रसायन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? तो सॉयल को ट्रीटमेंट करना है, निर्जलीकरण करना है, तो फार्मेहाइल्ड की सांद्रता पूछा है कितनी रखनी चाहिए, 0.1%, 0.01%, 1% या 1.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 0.1%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या है? नवंबर से दिसंबर, जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल या जून से जुलाई। तो पर्णपाती यानी कि पतझड़ वाले जो पौधे होते हैं उनकी कटाई छटाई का उपयुक्त जो समय माना गया है वो माना गया है जनवरी से फरवरी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 65 नंबर। अच्छे फलन हेतु CN का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए अगर अच्छा फल उत्पादन करना है तो? 2:2, 1:3, 3:2 या 3:1। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये रेशियो आपको याद रखना, CN का अनुपात हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन का 3 और नाइट्रोजन का 2, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। आम का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? मध्य फल भीति, बाह्य फल भीति, अंतः फल भीति या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य फल भीति, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 67। अनाजों की रानी कौन सी फसल कहलाती है, ठीक है। अनाजों की रानी कौन सी फसल कहलाती है? गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का। तो अनाजों की रानी कहते हैं मक्का को, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार। तो प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है कौन सी फसल का सबसे हाईएस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मक्का, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? बाजरा, धान, गेहूँ या मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धान, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल धान है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। रबी यानी कि बारानी में कौन सी दलहनी फसल उगाई जाती है? उड़द है, मूंग है, अरहर है या चना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। एक क्यूसेक बराबर पानी की मात्रा होती है, एक क्यूसेक बराबर पानी की मात्रा कितनी होती है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं। 1000 लीटर,
24.3 लीटर, 28.3 लीटर या 1 लाख लीटर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, 28.3 लीटर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, बीकानेर में, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर में। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर में स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, NDRI पूछा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, करनाल, आनंद, दिल्ली या हिसार। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि करनाल के अंदर स्थित है, ठीक है, हरियाणा में है ये, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, निम्न में से गाय की द्विपरियोजनी नस्ल नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पूछा है, कांकरेज है, राठी है, गिर है या सभी है। तो 74 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गिर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, गिर जो है ये द्विपरियोजनी नस्ल नहीं है, बाकी कांकरेज, राठी ये सब द्विपरियोजनी नस्लें होती हैं। एक इसमें याद रखेंगे जो बहुत बार पूछा जाता है, हरियाणा में ये भी द्विपरियोजनी नस्ल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है, नहीं पूछा है, रेंडर पेस्ट, एंथ्रेक्स, FMD या सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एंथ्रेक्स, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है गरिमा किस्म है, आपको बताना है गरिमा किसकी किस्म है, मूंग की है, उड़द की है, अलसी की है या मसूर की है। तो गरिमा जो किस्म है ये हो जाएगी मसूर की, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, क्लिस्टोगेमी कौन से फल वृक्षों में पाई जाती है, पपीता, अंगूर, चीकू या सभी। तो क्लिस्टोगेमी जो पाई जाती है वो पाई जाती है सभी में, यानी कि चीकू के अंदर देखने को मिलता है, अंगूर में देखने को मिलता है और पपीता, तीनों के अंदर क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 78, साइकोन्स कौन से फल का प्रकार होता है, अंजीर, चीकू, अनानास या कटहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अंजीर, ठीक है। नोट्स में देखेंगे अंजीर का पुष्पक्रम जो होता है वो हाइपेंथोडियम कहलाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका पुष्पक्रम भी पूछ सकता है, हाइपेंथोडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से सबसे ज़्यादा इथाइलिन का उत्पादन कौन सा फल करता है, आम, केला, स्ट्रॉबेरी, सेब। तो इथाइलिन का उत्पादन पूछ रहा है कौन सा फल सबसे ज़्यादा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब, ठीक है, सेब सबसे ज़्यादा इथाइलिन का उत्पादन करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है SSP उर्वरक में सल्फर की मात्रा होती है, तो आपको बताना है सल्फर की मात्रा कितनी होती है SSP में, 19%, 12%, 21% या 16%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 12% SSP में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, गेहूँ के लिए नत्रजन युक्त जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, PSB, VM, एजोक्टोवेक्टर या एजोस्पिरिलम। तो गेहूं के लिए नत्रजन के रूप में कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोक्टोवेक्टर, ठीक है, यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82, मूंगफली, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र प्रतिशत कितना होगा, 100%, 150%, 200%, 250%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 150%। आप लोगों को फसल चक्र निकालना आना चाहिए, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है फसल चक्र प्रतिशत परसेंटेज पूछता है निकालने के लिए, तो आप लोगों को एकदम एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए एक तैयार होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, मृदा में CO2 की मात्रा उपस्थित होती है, तो सॉयल के अंदर CO2 की परसेंटेज पूछ रहा है कितनी मात्रा उपस्थित होती है, 0.03%, 0.3%, 3% या 1.3%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 0.3%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में लाई गई धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, IR8, TN1, जया, कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा TN1, ये भारत में लाई गई प्रथम धान की किस्म थी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। धान की अप्रैल मई में बुआई कहलाती है। धान में अगर अप्रैल और मई के महीने में हम बुआई कर रहे हैं तो कौन सा खेती कहलाता है, अस कहलाता है, अमन या बोरो या बसंत, तो इनमें से कौन सी खेती कहलाएगी? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अस कहलाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अस की पूछ सकता है अस की बुआई कब करते हैं, तो अप्रैल मई महीना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गाय को 400 किलोग्राम शरीर भार पर कुल शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है। अगर गाय है उसका वेट 400 किलोग्राम है तो शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी दी जाती है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुके हैं, 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गाय का वेट 400 किलोग्राम है तो शुष्क पदार्थ उसको 10 किलोग्राम खिलाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87, जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, बौछार, परत, रील और गली, उसके बाद है गली, रील, परत, बौछार, या बौछार, परत, गली, रील, या बौछार, रील, परत, गली। तो इन चारों में से बताइए अवरोही क्रम में मृदा क्षरण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले गली, उसके बाद रील, उसके बाद परत, उसके बाद बौछार। ठीक है, ये अवरोही क्रम इसमें बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाइसीमीटर का काम आता है। लाइसीमीटर किसमें काम आता है ये आपको बताना है, निक्षालन ह्रास का पता लगाने में, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने में, या दोनों नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों में काम आता है लाइसीमीटर, निक्षालन ह्रास का पता लगाने में भी और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, अनार में व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है गोटी द्वारा, कलम द्वारा, स्टूलिंग द्वारा, या ए और बी दोनों। तो अनार में जो व्यापारिक प्रवर्धन किया जाता है वो किया जाता है, यानी कि दोनों के द्वारा, ए और बी दोनों, गोटी के द्वारा भी लगा सकते हैं और कलम के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, बालू मृदा जिसको सैंडी सॉयल के नाम से जाना जाता है, इसमें पूछ रहा कले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 15% से कम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, पूसा लाल किस्म है किसकी, शकरकंद की, प्याज की, मिर्च की या टमाटर की? तो पूसा लाल किसकी किस्म है ये आपको बताना है, तो ये शकरकंद की किस्म है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है, खरबूजा की, तरबूज की, खीरा की, ककड़ी की, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है दुर्गापुर मधु की किस्म पूछा है, तो ये खरबूजे की किस्म है दुर्गापुर मधु। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है, फूल गोभी की फल को क्या कहा जाता है, फूल गोभी का जो फल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, हेड, कार्ड, कैप्सूल या सिलिकुआ? तो फूल गोभी का जो फल होता है उसको कार्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन पत्ता गोभी जो होता है उसका फल को कहते हैं हेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, प्याज की फसल में बोई जाने वाली किस्म कौन सी है, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, N52 या उपरोक्त सभी? तो प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्याज, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, N52, ये तीनों ही किस्में खरीफ के सीजन में बोई जा सकती है प्याज की। ठीक है, याद रखेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, कमी पूछा है, अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है, FeMn, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम, इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो अम्लीय मृदाएं जो होती हैं उसमें कैल्शियम और मॉलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन कह रहा है ऐसी मृदाएँ जिनका pH मान 8.5 से कम, ESP 15 से कम तथा EC 4 से DC से अधिक होती हैं, ऐसी मृदाएं क्या कहलाती हैं, क्षारीय मृदाएं, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा या अलवणीय क्षारीय मृदा कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लवणीय मृदा कहलाती हैं, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 97, पत्तियों के रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उसमें कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या सल्फर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पोटास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन की सीरीज थी जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ड्राई फार्मिंग की जाती है, कहाँ पर की जाती है? 750 mm से कम वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में, 750 से 1150 mm वाले क्षेत्रों में, या 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 750 mm से कम वार्षिक वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है ड्राई फार्मिंग। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, या 131 हैं? तो भारत में पूछा है कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 15 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहा जाता है कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कानपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है, IIPR। ठीक है, तो आज की क्वेश्चनों की सीरीज यही हमारी समाप्त हुई। अच्छे क्वेश्चन थे, इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। कल फिर लेके आते हैं एक नई वीडियो, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।